हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आफ्टर डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इट इज ऑब्वियस दैट वी हैव टू गो टू द सेकंड प्रॉपर्टी एंड द नेम ऑफ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन इज सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। In the last lecture, you have seen the first shifting property and the proof of the first shifting property. If we have to prove the first shifting property of the inverse Laplace transformation, we must need the first shifting property of the Laplace transformation. Likewise, if we have to prove the second shifting property of inverse Laplace transformation, we must need the property of the second shifting property of Laplace transformation। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको first shifting property को प्रूफ करना था तो first shifting inverse को प्रूफ करना है तो Laplace वाला को यूज किए। उसी तरह से अगर आपको first second shifting property यूज करना है inverse का तो हम लोग यूज करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि मैंने यहां पे कर रखा है। बस आपको मैं उसको आपको डिटेल से बता देता हूं क्या है आपका जी। दिस इज सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, आप देख सकते हो। इफ इनवर्स लैपलास ऑफ fs इज इक्वल टू ft दिया हुआ, तो कह रहा है कि अगर fs में e टू द पावर माइनस as से मल्टीप्लाई कर दें और उसका इनवर्स लैपलास निकाल लें तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ft माइनस a जब t ग्रेटर देन इक्वल टू a जीरो हो जाएगा। टी लेजर हमको पता है, इसको अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम टू सेम हो जाएगा, मतलब एफ टी ए टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए। यहाँ जो आपको दिख रहा है यू टी माइनस ए, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एफ एस का इनवर्स लैपलास एफ टी है तो एफ एस इंटू ई टू दी पावर माइनस ए एस का इनवर्स लैपलास इतना हो जाएगा। इसको प्रूव कर देते हैं। लेट जी टी, ये जो टर्म है, ये जो फंक्शन है पीस वाइज जस्ट लाइक आप दिखा रहे हैं, इसको मैं जी टी मान लिया। इसका मतलब क्या करना है आपको, हमको दिखाना है कि जी टी जो है जी टी ही आपका ई टू दी पावर माइनस ए एस और एफ एस का इनवर्स लैपलास हो जाएगा, तो जी टी इज इक्वल टू इतना होगा। और हम लोग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देख चुके हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का, तो जी टी का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो हो जाता है ई टू दी पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इनवर्स लैपलास ले लीजिए, टेकिंग एल इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो पता है एल एल इनवर्स खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा जी टी, इधर हो जाएगा एल इनवर्स ई टू दी पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस, ठीक है। और यही चीज जी टी को ही हम लोग इतना लिखा है ना, तो लिख सकते हैं L inverse of e to the power minus as into fs is equal to कितना हो जाएगा, तो f t minus a, जो कि जब t आपका a से बड़ा हो जाएगा तो वहां पे f t minus a हो जाएगा, और t जब a से छोटा हो जाएगा तो उसके साथ जीरो हो जाएगा, काला हो जाएगा, बोले नहीं बदल देती ब्लू काला, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं f t minus a into u t minus a, जहां u t minus a क्या है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो दिस इज द इनवर्स सॉरी दिस इज द सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी उसी का पढ़ेंगे, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि ये प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो जाए और आपको ये बातें समझ में आ जाए कि किस तरह से हम लोग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में अप्लीकेशंस करते हैं और यूज करते हैं, क्लियर। तब तक इसको देखो फिर हम क्वेश्चंस लेके आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप एक क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, अगर आप फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस टू एस अपॉन एस माइनस थ्री, ठीक है। तो देखो इसको बनाते कैसे, आपको एक एक क्वेश्चन से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम लोग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन,
ये जो भी आपका दिया हुआ है, दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ एस, सो बट इसको हम लोग लेंगे जी एस, तो ले इसको हम लोग जी एस मान लेते हैं, तो जी एस इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टू एस अपॉन एस माइनस थ्री, बट डियर फोर एफ एस जो है इस टर्म को हटा के बाकी जो बचा उसको आप एम एस मान लो, ठीक है, तो लेट करते हैं एफ एस इज इक्वल टू वन बाई एस माइनस थ्री, इसको हम एफ एस मान लें, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका, हम एफ एस जब हमको पता है, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे एफ एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, तो डियर फोर एफ एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एफ टी, और एफ टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस, ठीक है, और एफ एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ई टू द पावर थ्री टी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ वन बाई एस माइनस थ्री है तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा ई टू द पावर थ्री टी हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया एफ टी हो गया, लेकिन हमको क्या करना क्या है, हमको निकालना है इसका जी एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ लिखेंगे by using second shifting property क्या होगा, तो हमको निकालना है GS का इनवर्स लैप्लास, तो GS का इनवर्स लैप्लास मतलब इनवर्स लैप्लास ऑफ क्या हो जाएगा e to the power minus 2s into fs, ठीक है, और कितना बड़ा होगा हमको पता है कितना हो जाता है, तो f t माइनस यू और u के जगह में कितना हो जाएगा t माइनस a, a के जगह में कितना है तो 2 है, तो t माइनस 2 इंटू यू t माइनस 2 हो जाएगा। अब बताइए f t मेरे पास कितना था, f t था e टू दी पावर 3 t, अल्टीमेटली कितना हो जाएगा e टू दी पावर 3 t माइनस 2 इंटू यू t माइनस 2, ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है फाइनल आंसर है इसका, तो ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है इसका, इसका आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, क्लियर, आप देख सकते हैं दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, यूज किसका किए हैं, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज किए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप इसको देख लीजिए कैसे इसको डील किया, अगर आपको ये पता चल जाता है तो बाकी क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से डील करेंगे, पर ऐसे ही इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, कह रहा फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस as अपॉन x स्क्वायर, क्लियर सी बात है, gs किसको मानेंगे जो दिया होगा e टू द पावर माइनस as और ये हो जाएगा s का स्क्वायर, fs क्या होगा इसको हटा के बात करो 1 बाय s स्क्वायर, अगर ये एफ एस है तो डियर फोर एल इनवर्स ऑफ एफ एस कितना हो जाएगा, तो एल इनवर्स ऑफ वन बाई एस स्क्वायर, और वन बाई एस स्क्वायर मतलब टी हो जाएगा, मतलब ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका है टी का है। चलिए चलो अब क्या करते हैं, यूज करते हैं यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, तो बोलो कितना हो जाएगा, हमको चाहिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी एस, और जी एस का मतलब हो गया इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस, और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और इसको आप एफ टी मान लो, दिस इज एफ टी और दिस इज इक्वल टू एफ टी माइनस इंटू यू टी माइनस, तो एफ टी माइनस ए मतलब टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन का क्या डिमांड था कि इसका हमको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, बट क्वेश्चन में ये कभी नहीं कहेगा कि आपको यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है, वो आपको माइंड सेट करना है कि क्या इसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, अगर लगा सकते हैं तो फ्रीक्वेंटली लगाइए, बट मेंशन जरूर कर दीजिए कि आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ओके, लेट अस सी द अनदर एग्जांपल, हेलो फ्रेंड्स, लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लैंग्वेज इज सेम, द डाटा इज हियर 3 + 5x अपॉन s² इक्वल टू द पावर 2x,
इसको आप लिख सकते हैं लेट जी एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 + 5s अपॉन एस स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस 2s, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी जो बचा उसको आप एफ एस मान, हो जाएगा 3 + 5s अपॉन एस का स्क्वायर, इसको आप अलग रखें तो 3 / s² प्लस 5 / s हो जाएगा। क्लियर? ये है। अब क्या करेंगे, इनवर्स लैपलास निकाल लेते हैं एफ एस का, तो एफ एस का इनवर्स लैपलास मतलब 3 / s, तो हो जाएगा 3 कांस्टेंट एल इनवर्स ऑफ 1 / s² और प्लस 5 कांस्टेंट एल इनवर्स ऑफ 1 / s। क्लियर? ये हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा t और प्लस 5 और ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 3t प्लस 5, इसी को हम लोग क्या मानते हैं एफ टी बोलते हैं, ये एफ टी हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किसका ऑफ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, आईएलटी मतलब इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए तो देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ जीएस, और जीएस का मतलब हो गया एल इनवर्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस 2s इंटू एफ एस इंटू एफ एस, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा एफ टी माइनस 2, ठीक है, इंटू यू टी माइनस 2, और एफ टी माइनस 2 मतलब 3t - 2 प्लस 5, ये पूरा का पूरा एक साथ इंटू यू टी माइनस 2 हो जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 3t - 1 इंटू यू टी माइनस 2, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, और आप ये देख सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट जो पहले दो क्वेश्चन बनाए सेम टू सेम प्रोसेस स्ट्रेटजी मेथड वही रहता है, प्रॉपर्टी भी आप कौन सा लगा रहे हैं ये भी आपको पता है, आंसर है। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, ये नीचे देख सकते हैं आप, हेलो, लेट अस सी अनदर एग्जांपल इज फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस 5s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। क्लियरली लेट जी एस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 5s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, द एफ एस इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, सो हियर इज द एस, द फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एल इनवर्स ऑफ एफ एस मींस एल इनवर्स ऑफ 1 / s² + 1 and this is sin t. Clear? चलिए and this is equal to ft, small f. So using second shifting property किसका of inverse Laplace transform ILT. So we get L inverse of GS. GS means L inverse of e to the power minus 5s into fs, and this is equal to f, कितना होता है pi minus t, a minus t, यहाँ हो जाएगा pi minus t into u pi minus t, but you can see here sin t is f t is equal to sin t, so here sin pi minus t into u pi minus t, and sin pi minus theta sin theta, so this is sin t into u pi minus t, this is the inverse Laplace transformation of gs, and what is gs, e to the power minus p, pi s upon s square plus 1, here you can see the answer, okay, I hope ki aapko samajh mein aa raha hoga. चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है इसमें, ठीक है, अब तो इसको देख सकते हैं। हेलो गाइस, यहां पर जो है टी माइनस ए होता है, एक जगह पर पाई हो गया तो टी माइनस पाई हो गया, गलती से आपका पाई माइनस टी लिखा गया था, बट यहां क्या होगा टी माइनस, तो हो जाएगा साइन टी माइनस पाई, मैं यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाता है, इसलिए माइनस ऑफ साइन टी और यू टी माइनस पाई, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लो।
Hello friends, you can see another example from the board. Find the inverse Laplace transform of e to the power minus 3s upon s minus 4 ka whole square. Obviously, the function gs is the given function, but fs is chosen as by removing e to the power minus as. So here is e to the power minus 3s. After removing this data, we will get 1 upon s minus 4 ka whole square. And taking this term as fs. Now, first of all, क्या करेंगे हम लोग इसका इनवर्स लैपलास निकालेंगे. Therefore, इनवर्स लैपलास of fs. इनवर्स लैपलास of fs मतलब इनवर्स of 1 by s minus 4 का होल स्क्वायर. और इतना बड़ा हम लोग लिख सकते हैं e to the power 4t into इनवर्स लैपलास of 1 by s square. और 1 by s square को कितना लिख सकते हैं t, तो हो जाएगा e to the power 4t into t and this is equal to f t. ये आप देख सकते हैं. तो यहां मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके दिया, ठीक है. चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. अब आप सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो ऑफ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आई एल टी का. क्लियर, काफी बड़ी इतना होगा. Therefore, inverse Laplace of GS. GS means inverse Laplace of e to the power minus 3s into fs. ठीक है, और this is equal to कितना हो जाएगा, हो जाएगा f t minus a. ठीक है, तो t minus कितना हो जाएगा 3, क्योंकि a की जगह में 3 है, तो f t minus 3 into u t minus 3 हो जाएगा. ठीक है, अब एफ टी माइनस थ्री, एफ टी कितना था, e टू दी पावर 4, 4t इंटू टी, तो यहां हो जाएगा e टू दी पावर 4 t माइनस 3 इंटू टी माइनस 3, क्लियर, इंटू यू टी माइनस 3. दिस इज द फाइनल आंसर. कितना भी छोड़ सकते हैं, या थोड़ा सा चाहे तो यहां रेंज भी कर सकते हैं, कितना ही छोड़ दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. यहां थोड़ा सा फ्रेश कर देते, दिस इज द टी माइनस 3. आपका फाइनल आंसर. कैमरा में दिक्कत समस्या के साथ सवाल था. हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा सवाल आप देख रहे हो यहाँ पे. एस एस प्लस वन इंटू ई टू दी पावर माइनस फाइव एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन. इसका आपको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, परफॉर्म करना है. ठीक है, मेथड वही रहेगा, आपको पता है जीएस कितना है, तो ये हो जाएगा एस प्लस वन इंटू ई टू दी पावर माइनस फाइव एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन. इसको रिमूव कर दीजिए, बाकी जो बचा उसको एफ एस मान लीजिए. तो दिस इज एस प्लस वन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन. इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा, तो ये ऊपर हो गया एस प्लस वन, नीचे हो गया एस प्लस हाफ का होल स्क्वायर. एक्स्ट्रा में कितना आया, तो यहाँ देखिए एस स्क्वायर आ गया, प्लस एस आ गया, प्लस वन बाई फोर. जबकि आपको वन चाहिए था, तो थ्री बाई फोर मतलब थ्री बाई रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर. ठीक है, इतना चलिए. लेकिन क्योंकि ऊपर में एस प्लस वन है, इसका मतलब इसको सजाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग दो पार्ट में सजाएंगे. एक लिखेंगे एस प्लस हाफ और प्लस हाफ, एस प्लस हाफ, एस प्लस हाफ का स्क्वायर और प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर और प्लस वन बाई टू, हाफ एंड हाफ वन हो जाएगा, और फिर वन बाई एस प्लस हाफ का स्क्वायर और प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर. कितना लिख सकते हैं. चलिए अब ये हमको पता है कि इसका हम लोग इजी में, ये दिख रहा है, तो यूजिंग क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी किसका, और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आईएलटी का शॉर्ट फॉर्म है. इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का शॉर्ट फॉर्म यूज किया हम लोग आईएलटी. ठीक है, चलो कितना होगा, therefore f inverse, sorry l inverse of fs. l inverse of fs क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब this इसका पूरेगा, हो जाएगा l inverse कितना हो जाएगा, s plus half upon s plus half का square plus root 3 by 2 का square और plus half of l inverse 1 by एस प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर.
ये एक साथ आ गया और ये एक साथ आ गया। अब इतना बड़ा हो हमें पता है ये e to the power minus half t हो जाएगा और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s स्क्वायर हो जाएगा s स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ e to the power minus half t into इनवर्स लाप्लास ऑफ वन बाई s स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलिए this is equal to e to the power minus half of t into नीचे दिख रहा होगा आपको सॉरी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ कैमरा में। चलो देख सकते हो तो ये a cos वाला हो गया, ये हो जाएगा cos root 3 by 2 into t, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ e to the power minus half into t और ये sin तो हो जाएगा sin रूट थ्री बाई टू इंटू टी डिवाइडेड बाई ए मतलब रूट थ्री बाई टू। क्लियर, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब एफ एस का इनवर्स लाप्लास निकल गया तो तब हम लोग क्या करेंगे, अब जी एस का इनवर्स लाप्लास निकल गया। क्लियर, यहां तक देखिए फिर अगर बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने एफ एस का इनवर्स लाप्लास निकाल लिया तो इतना आया था, आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से टू और टू कैंसिल हो जाएगा तो वन बाई रूट थ्री बचेगा और इतना बचेगा, इसी को हम लोग एफ टी मान लेंगे। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग यहाँ देखो जी एस का इनवर्स लाप्लास निकालने वाला है क्योंकि क्वेश्चन तो मेरा ये था, तो जैसे ही जी एस का इनवर्स लाप्लास निकालेंगे हमको पता है e to the power pi से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब यूनिट डिस्प्ले फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा एफ टी माइनस पाई इंटू यू टी माइनस पाई। अब जहां जहां भी f एफ टी है तो t के प्लेस में t माइनस फाइव और बाकी यू टी माइनस फाइव तो रहेगा, तो ये पूरा का पूरा लिखा गया, जहां t था वहां पे t माइनस फाइव हो गया और इंटू यू टी माइनस फाइव, और जहां तक यू टी माइनस फाइव का बात है वो क्या है, तो यू टी माइनस फाइव जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन है आपका, ठीक है, इसको हम लोग हैवी साइड फंक्शन भी बोलते हैं। तो यही है आपका प्रॉब्लम जो कि किससे रिलेटेड था, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर, आपको ये वीडियो जरूर देखे तो अच्छा लगा होगा और ये आपके सिलेबस को भी आगे बढ़ा रहा है और कंटेंट भी मज़ेदार है और ख़ास करके इनवर्स लाप्लास, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। ठीक है, आई होप कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो इसी तरह से वीडियो लेक्चर देखते रहिए और आपका जो भी कोर्स है वो आपका पूरा करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ठीक है, सो थैंक यू।